नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और समाचार एक्सप्रेस पर आज की बड़ी खबर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। खबर आ रही है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से, जो जुड़ी है आपकी सेहत और स्वास्थ्य से। हवा कौन सी हवा, स्वच्छ हवा या प्रदूषित हवा, आखिर कौन सी हवा लेना चाहेंगे आप? यकीनन आपको स्वच्छ हवा चाहिए होगी, लेकिन आप तो ले रहे हैं प्रदूषित हवा। आप जानते भी हैं कि भगवान ने आपको आपकी उम्र किस हिसाब से बांटी है। भगवान ने आपको कोई साल, महीना, दिन या मिनट के हिसाब से उम्र नहीं दी है, बल्कि ऊपर वाले ने आप और हम को सांसें गिनकर दी है। आप एक सांस एक सेकंड में व्यर्थ करें या एक मिनट में, लेकिन आपकी उम्र आपके हाथों में है कि आप उसे कितनी लंबी ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लंबी सांस लेनी है तो उसमें ऑक्सीजन भी शुद्ध होनी चाहिए, ताकि आपके फेफड़ों को शुद्ध हवा मिल सके। इस विषय को लेकर हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल की आज पुस्तक द एयर एक्ट 1981 का विमोचन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज शुक्रवार की शाम चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हुए एक सादे समारोह में डॉक्टर के खंडेलवाल द्वारा लिखित पुस्तक द एयर एक्ट 1981 का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, राज्य मंत्री अनूप सिंह धानक, पर्यावरण विभाग के प्रिंसिपल सचिव एके सिंह समेत कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि आज समय आ गया है कि हम बढ़ते प्रदूषण पर गहन चिंतन और मंथन करें और इसका सुलभ हल निकालें कि हमारी भावी पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिल सके। इस अवसर पर डॉक्टर के खंडेलवाल और एसके सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पुस्तक के विमोचन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुस्तक के लेखक और हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल और पर्यावरण विभाग के प्रिंसिपल सचिव एसके सिंह को भी सम्मानित किया। डॉक्टर के खंडेलवाल ने प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया। आइए अब आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर, जहां इस पुस्तक का विमोचन किया गया। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। कि पर्यावरण की चिंता भी सबको होनी चाहिए तभी से। कुछ समय था जब मूलभूत आवश्यकताओं में माना जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, फिर आया कि बिजली, सड़क, पानी, फिर आया शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, स्वावलंबन, ये एक सामाजिक आवश्यकता थी। लेकिन समय के हिसाब से, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आवश्यकताएं भी बदलती। आज बड़ी आवश्यकता है, वो है पर्यावरण की, क्योंकि प्रदूषण इतना अधिक होता जा रहा है कि एक प्रकार से कभी कभी लगता है कि मानवता को एक सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कहीं प्रदूषण इतना अधिक हो गया है, लोग अब अपने स्थानों को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन मन उनका करता है यहाँ से भाग जाए। खास करके पिछले दिनों में निकट के शहरों में दिल्ली के जो हालात बने, उसमें से बहुत तरह की कमेंट्स, चर्चाएं आती थी। दुनिया के भी कई देश इस प्रकार की समस्याओं को झेल चुके हैं। धीरे धीरे ऐसे प्रदूषण के हमारे, चाहे वो इंडस्ट्री के नाते से, चाहे वो यातायात के साधनों के नाते से, चाहे अन्यत्र बढ़ती आबादी, विकास, विकास के नाते से भी प्रदूषण होता है। अभी एक इस प्रकार की दुविधा बनी हुई है कि आबादी बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, विकास भी हो रहा है, इस नाते से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषण और विकास दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, अर्थात इस प्रदूषण को कम करना। विकास कम करेंगे तो आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, लेकिन उसमें होने वाले प्रदूषण को समाप्त करना, उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत कुछ अपने हाथ में भी है। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हम कर सकते हैं, परंपरागत बातों के आधार पर भी कर सकते हैं। तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए जितने भी प्रावधान किए गए थे, उसमें कुछ तो कानूनी है। आज की पुस्तक निश्चित रूप से जो बताया गया है कि वो कानून की एक प्रकार की व्याख्या, जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, इसके ऊपर कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑफ एक्ट, ये इस प्रकार की पुस्तक है। कानून अपने आप में एक ऐसा विषय होता है कि लोगों को मजबूरन उसका पालन कई बार करना पड़ता है,
अगर ठीक से समझेंगे तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड, ये हम करते हैं, लेकिन मन से कई बार नहीं करते। आवश्यकता है आज मन से चीजों को स्वीकार करके और लोगों में जन जागरण पैदा करने की, जन जागरण पैदा करें कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए। उसमें हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें पौधारोपण एक ऐसा विषय है कि जितना ग्रीन ज्यादा होगी, जितना पौधारोपण होगा, जितना हमारे जंगलात बढ़ेंगे, उसके कारण से हमारा जो वायु का एक शोधन ये होता है। इसकी बहुत सी योजनाएं सरकार तो अपने ढंग से चलाती है, लेकिन जन जन को भी इसके लिए जागरण करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति, परिवार का हर सदस्य किसी न किसी बात को बहाना बनाकर और इस ओर आगे बढ़े। हमने तो सरकार में ये भी किया कि स्कूल के विद्यार्थी क्यों नहीं अपने जीवन में एक पेड़ हर विद्यार्थी पढ़ते समय लगाए। इसके प्रयत्न भी हुए पिछले दो वर्षों में, 20-20 लाख 22-22 लाख पौधे लगाने शुरू किए। वन विभाग ने भी अपनी ओर से इस काम को करना शुरू किया है, फिर भी जितनी आवश्यकता है उतना कम है। तो हम तो ये कहेंगे कि इन सब चीजों का संतुलन बैठाने के लिए हम जन जागरण भी करें, कानूनों का पालन ये भी कराएं, ताकि एक तरफा जो होड़ लगी है उस होड़ में हम इन चीजों को भूलें नहीं, और तरह तरह के जो हमारे एक्ट बने हुए हैं उस एक्ट में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जैसा बताया, इसी प्रकार कुछ एक्ट ऐसे हैं जो प्राचीन समय के चल रहे हैं, उसकी भी जितने भी वर्तमान में उपयोगिता है उसको तो ध्यान रखेंगे। कोई अगर ऐसा भी विषय नया हमको बनाना पड़ता उसको बनाना पड़ेगा, उसमें से रास्ते भी निकालने पड़ेंगे। मुझे ध्यान में पिछले दिनों में एक एक्ट के बारे में अध्ययन किया, हमारे लीगल टीम ने भी अध्ययन किया, जी साहब ने, टीम ने, हमारे सभी अधिकारियों ने भी, वो था PLPA एक्ट। उस PLPA एक्ट का सन 1900 का एक्ट है, आज से 120 साल पहले उस समय की परिस्थिति में वो एक्ट बना था, लेकिन बाद में उसका किसी ने बहुत अध्ययन न किया तो धीरे धीरे वो चीजें आगे चलती गई। अब जब अध्ययन हुआ, हमारे जुडिशरी के सब लोग जानते हैं, ये जो कास्ट कंक्लेव का विषय हुआ है सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां वो PLPA एक्ट उसकी कुछ धाराओं का उल्लंघन हुआ और वो कास्ट कंक्लेव न केवल कास्ट कंक्लेव बाद में उसका अध्ययन किया तो बहुत सी ऐसी चीजें हो गई हैं आगे डेवलपमेंट के नाते से कि वो अब उसके दायरे में भी आने लगे। फिर विचार हुआ कि आकर संतुलन रखना, तो उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया तो फिर अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। यानी ये चीजें जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणवादी लोग हैं वो अपने ढंग से विषय रखते हैं, विकास करने वाले लोग अपने ढंग से विषय रखते हैं, संतुलन बैठाने का काम उनको करना पड़ेगा। अरावली पर्वत की जो सारी घटनाएं शुरू हुई तो उस एक 3 वर्ष पहले मुझे जानकारी मिली कि वहाँ एक मांगड़ बड़ी का गाँव है, और मांगड़ बड़ी वो एक ऐसा घना जंगल है कि उसको उजाड़ने के लिए कुछ लोग तत्पर हैं उस स्थान पर विकास करें और उसका जो जंगल का जो स्थान है उसको कैसे कम करना हो, खरीदना है, बैर करना, डेवलपमेंट करना, ये सारे काम होते हैं। मैं स्पेशली जाकर के उसका एक एरियल सर्वे करके आया, मुझे लगा कि हाँ ये जंगल को बचाना बहुत आवश्यक है। हमने बैठ करके उसको जो चल रहा था एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जिसके ऊपर चर्चा हुई कि इस जंगल के 50 मीटर दूर तक एक एरिया ऐसा छोड़ दिया जाए जिस पर कोई डेवलपमेंट ना हो, मुझे लगा कि 50 किलोमीटर भी हमारा कम है। हमने कैबिनेट मीटिंग में 50 मीटर की बजाय उसको 500 मीटर कर दिया कि 500 मीटर तक भी कोई इसका डेवलपमेंट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, लेकिन बचाया जाना चाहिए अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो। और वो 500 मीटर करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विषय आने लगे कि इस प्रकार के पर्यावरण की चिंता करने वाले भी कोई लोग हैं, वो भी हमने किया। और जब PLPA का अमेंडमेंट किया तो वो इसलिए कि जो काम हो चुके हैं अब वो उसको अंडू करना शायद आज बहुत बड़ी एक ऐसी कसरत हो जाएगी जो कभी भी कोई सहन नहीं कर पाएगा। बहुत सी तो सरकारी बिल्डिंग्स नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, वो भी उस PLPA एक्ट के अंतर्गत प्रभावित हो रही है। उसमें से वातावरण को, उसमें से रास्ता निकालने के लिए कोई रास्ते बनाए, सब कुछ चलेगा, एक्ट भी चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर की इंटेंशन हमारी वो ये रहनी चाहिए कि पर्यावरण किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, कैसे हम प्रदूषण को खत्म करें। और उसी आधार पर आज का जो विषय ये रखा गया है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ KK खंडेलवाल जी को, AK सिंह जी को, हमारे जो जो प्रोफेसर हैं उनको,
ताकि इस प्रकार के जन जागरण के लिए जो पुस्तक दी गई है आज हम सब इसको लेकर अपने साथ और निश्चित रूप से हर व्यक्ति इस विषय का आगे प्रचार प्रसार करें, तभी हम आगे बढ़े। हमारी जो हमारा जीवन तो बहुत से ऐसे लोग हैं वो तनखा बीत चुका है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता जरूर करें। अगर आने वाली पीढ़ियों को हम किस प्रकार का एक स्वच्छ वातावरण देकर के नहीं गए तो हमें आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए भाई बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण को खत्म करना, इसको ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। I would now request the Honorable Chief Minister to present memorial plaques related to the book release to the authors and the publisher. माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्य अतिथि और महाजन साहब महाधिवक्ता हरियाणा, जिन्होंने बहुत ही स्नेह दिखाया और अपना समय दिया हमारे इस प्रोग्राम को। सीएम साहब के आज ही आए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अभी भी 5 बजे एक और बड़ी गोष्ठी है, उसके बाद 6 बजे भी है। तो मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने आके इस किताब को समर्पित किया। और सभी से अनुरोध है हमारे साथ थोड़ा सा जलपान करके, साथ वाला जो बैठक है उसमें जलपान करके। थैंक यू वेरी मच। स्पेशली डिजाइन पेड श्री धनपत सिंह। धनपत मेरा बैचमेट भी है। इस पुस्तक के विमोचन पर एक कवि ने पर्यावरण को लेकर ना केवल कविता पेश की बल्कि एक गीत भी प्रस्तुत किया। आप भी सुनिए कविता और यह प्यारा सा गीत। होता ना एक पुजारी तो सावन प्यासा, भादो प्यासा, यौवन का पनघट प्यासा है, आशा प्यासी, सपने प्यासे, जीवन का मधुबन प्यासा है, और जनसंख्या का दानव बनकर भस्मासुर बढ़ता जाता है, निगल रहा वन गांव जलाशय, माटी का कण कण प्यासा है, तो इस माटी की प्यास बुझाओ, बनकर कलयुग के तब अवतारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। और एक जो बंद है इसका मैं देता हूं कि रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी, रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी, रोती तो फैल रहा विष अंग अंग में पर पी पी कर बहती जाती, सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती, तो हुए विषैले जल थलगंबर महाप्रलय की है तैयारी, हृदय वेदना सुना रहा हूँ मानवता का एक पुजारी। अंतिम बात कह, आइए अब आपको ले चलते हैं हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल के पास, जानिए उन्होंने समाचार एक्सप्रेस को क्या बताया। इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि हम लोग विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो रहे हैं, और एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुरूप यदि इसी प्रकार से ये एयर पॉल्यूशन जारी रहा तो इस वायु प्रदूषण के कारण जो लोग दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में रहते हैं उनकी आयु 17 वर्ष कम हो जाएगी। तो एक एक क्षण जब हम सांस को जीना चाहते हैं उस सांस में यदि विष जा रहा हो, जहर जा रहा हो, तो उस जहर से बचने के लिए हमें कानूनी उपाय भी करने होते हैं, हमें सामाजिक तौर पर भी फैसले लेने होते हैं। तो इस पुस्तक का जो मूल कारण है वो ये है कि यह पुस्तक सभी के लिए है, कानूनविदों के लिए भी है। इसमें कानून की व्याख्या की गई है, इसमें हर सेक्शन का, हर सब सेक्शन का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है ताकि उसको समझा जा सके। यह कानून की पुस्तक है, कानूनी व्याख्या है, लेकिन इस प्रकार से लिखी गई है सरल भाषा में और इस तरह से सुगम इसकी जो है वो लैंग्वेज है कि चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो एकेडमिशियन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जो उसको वायु प्रदूषण नहीं करना है और उस पर रेगुलेशंस लागू होते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हों, चाहे वो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हों, चाहे वो दूसरे ऑफिशियल्स हों जिनकी जिम्मेदारी प्रदूषण को कम करने की है, वायु प्रदूषण को कम करने की है, उन सभी के लिए बड़ी लाभदायक पुस्तक है। भारत सरकार के सचिव सी के मिश्रा जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी है और ये आशा की है कि इस पुस्तक के माध्यम से
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वायु प्रदूषण के कानूनी प्रावधानों का उसके साथ साथ ही वायु प्रदूषण के कारण जो नुकसान होता है, जो हानि होती है, जो मानव के स्वास्थ्य को जो खतरा पैदा होता है, उस खतरे के प्रति आगाही की जा सके। सर, इसका हिंदी अनुवाद होगा? सर, हिंदी अनुवाद भी कराएंगे इसका, जो आपने कहा तो कराएंगे। कवि जी ने हिंदी अनुवाद। एक सवाल है, एक्ट आने से क्या लगता है कि जो प्रदूषण है इसमें क्या कमी आने की संभावना है? भाई देखो, जो लोग कानून की पालना नहीं करते, कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो कानून का मकसद तो यही है कि कानूनी प्रावधान ऐसे हों कि जो लोग वायु प्रदूषण कम कर रहे हैं उन्हें सहूलियतें मिलें, और जो लोग वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये मानवता की का सवाल है। सर, एक्ट बना है, और भी जैसे IPCC CRPC हैं, उनमें तो लोग जाते हैं कंप्लेन करने के। इसमें खूब अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारी NGOs हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, या जो नागरिक, बड़े जागरूक नागरिक हैं, वो सब लोग इस विषय में शिकायतें दर्ज कराते हैं। और जो ऑफिसर्स, जिनका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल्स, एनवायरमेंटल ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, वो सब लोग इस पर ना कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन को, पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन को ज़्यादा समय तक सहन नहीं किया सकता, अन्यथा ये सारी मानवता का नाश कर देगा। सर, लागू हो जाता है, लेकिन जागरूक करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। नहीं, कानून के अंदर जागरूकता एक लगातार सतत प्रक्रिया है, और उस सतत प्रक्रिया में जब जो नए लोग आते जाते हैं, जो नए लोग जिनको कानून की जानकारी नहीं होती, तो उनको कानून की जानकारी देता रहना आवश्यक है, और इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, लगातार प्रयास होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कानून की पालना कर सकें। थैंक यू। आइए अब आपको ले चलते हैं समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला के पास, उन्होंने हरियाणा निवास से हमें क्या कुछ जानकारी। नमस्कार, मैं हूँ हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज हम खड़े हैं यहाँ, शुक्रवार को, आज 7 तारीख है और रोज़ डे है, और इस रोज़ डे यानी कि आपने गुलाब की खुशबू ज़रूर सूंघते होंगे आप, और आपको अच्छी लगती होगी, लेकिन आज इस रोज़ डे पे एक ख़ास बात यह है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन, हरियाणा निवास में आज श्री के के खंडेलवाल द्वारा लिखी एक पुस्तक द एयर एक्ट 1981 का आज विमोचन किया है। हालांकि ये पुस्तक इंग्लिश में है, लेकिन हमने के खंडेलवाल जी से सवाल जरूर पूछा था कि ये पुस्तक का हिंदी अनुवाद होगा या नहीं, तो उन्होंने आज समाचार एक्सप्रेस को आश्वासन दिया कि इसका हिंदी अनुवाद होगा। हम यहाँ से आपको लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि आज एक हवा एक ऐसा मुद्दा बन गई है, द एयर, हवा, कौन सी हवा, प्रदूषित या स्वच्छ। आप तो जानते हैं कि हमारे देश की नदियाँ बड़ी प्रदूषित होती जा रही हैं, और उसके बाद जनसंख्या का भी एक विस्फोट होने वाला है, जनसंख्या भी एक बड़ा प्रदूषण बनता जा रहा है, कि विस्फोटक प्रदूषण जिसका कहते हैं। लेकिन अब जो शरीर के अंदर जाने वाली जो हवा है, जिसे हम सांसें बोलते हैं, हवा सांस द्वारा अंदर जाती है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा दिल धड़कता है, दिमाग चलता है और शरीर के बाकी अंग भी चलते हैं। आज हवा को बड़ा खतरा है, और के खंडेलवाल जी ने पूरी मानव जाति को सचेत करने के लिए द एयर एक्ट 1981 का एक विमोचन करवाया है पुस्तक का। हालांकि हमने अभी पुस्तक पढ़ी नहीं, लेकिन पुस्तक को ज़रूर जानेंगे, और हमारा यह मानना है कि यह पुस्तक लोगों को जागरूक करेगी। केवल एक्ट लागू कर देना या एक्ट लोगों के सामने लाना कोई समस्या का प्रावधान नहीं है, हल नहीं है, लेकिन जब तक हम देश की जनता को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई हल होने वाला नहीं है। क्योंकि आने वाली जो हवा जो है, अब बह रही है हवा के अंदर, जो हवा के जो सांसें हम ले रहे हैं, वह लगभग आप समझिए कि प्रदूषित होती जा रही हैं, या यूं कह लीजिए कि वो प्रदूषित हो चुकी हैं। अब क्या इसका क्या हल है? आपको बार बार सरकार सचेत करती है, NGO सचेत करते हैं कि हर घर के अंदर एक पेड़ एक पौधा होना चाहिए। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं, लेकिन हम फिर सचेत नहीं होते, और यह मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हमारी सांसें तो लगभग चल रही हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हमारे देश के भविष्य पैदा होने जा रहे हैं या होंगे, क्या हम उन्हें अच्छी हवा, स्वच्छ हवा दे पाएंगे? यह बेहद ज़रूरी है, और आपको, हमको, सबको सोचना चाहिए
कि हवा को स्वच्छ कैसे बनाया जा सके, क्योंकि आज नहीं तो कल हवा का यह बड़ा प्रदूषण का बड़ा विस्फोट कोई बड़ा गुल खिला देगा, क्योंकि अभी से ही हवा में कैंसर जैसी बड़ी घातक बीमारियां घूम रही हैं। अब इसे बंद कीजिए और स्वच्छ वातावरण के अंदर स्वच्छ ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा लाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप और हम आओ मिलकर पेड़ पौधे जरूर गाएँ। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ, समाचार एक्सप्रेस के MD अनिल कुमार लांबा के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़, हरियाणा निवास। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।